बात रुद्रप्रयाग की करेंगे, जहां पर तल्ला नागपुर के नौजिवला क्षेत्र की आराध्य मां नारी देवी 30 सालों बाद अपने मंदिर से बाहर आकर 7 महीनों की देवरा यात्रा पर है। अपने पहले देवरा यात्रा के दौरान देवी अभी तक 75 गांवों का भ्रमण कर चुकी है। वहीं आज मां नारी देवी मदोला कोटी गांव पहुंची। यहां देवी ने अपने ज्ञानियों की कुशल क्षेम जानी और सभी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ज्ञानियों और ने अपने मायके की नारी देवी को वस्त्र भेंट प्रसाद किया और इसके दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी मां चंडिका नारी देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कोटी गांव के ग्रामीणों ने नारी देवी का जोरदार स्वागत कर जलपान कराया, साथ ही महिलाओं ने देवी के भक्ति गीत लगाए हैं, जिसके बाद देवी अपने अगले पड़ाव धारकोट गाँव के लिए रवाना हुई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हम 70-75 गांवों का भ्रमण कर चुके हैं और माता की जो देवरा यात्रा बड़े सुख संपन्नता से संपन्न हो रही है। भक्तगण बड़े ही श्रद्धा भाव से माता के साथ चल रहे हैं और माता की भक्ति करते हुए माता के जो गीत हैं, जागर हैं, जो हमारी गढ़वाल की परंपरा है, माताएं बहनें उनको गाते हुए आगे चल रही हैं। बहुत आनंद और सुखद अनुभूति हो रही है। सबसे पहले सभी भक्तों को माँ चंडिका का आशीर्वाद बना रही। माँ चंडिका अपने जो है प्रथम जो दीवारा है, पूर्व का दीवारा, इसमें निकली है और माँ जो है चार दिशाओं की यात्रा करेगी। इस समय जो है माँ ग्राम सभा मदोला में है, इसके बाद कोटी में भ्रमण करेगी, उसके बाद धारकोट से होते हुए यहाँ चोपड़ा क्षेत्र पूरा करते हुए पुनः जो है 13-14 तारीख को जो है माँ अपने जो है मंदिर में पहुंचेगी। 10 तारीख शाम को पहुंचेगी, उसके बाद 13-14 तक जो है इसका देव पूजन का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हमारा जो है दूसरा दीवारा शुरू होगा, दिनांक 17 तारीख से दूसरा दीवारा शुरू होगा। सभी भक्त जिस भी गांव में जा रहे हैं, माँ नारी चंडिका के प्रति सभी भक्तों की अपार श्रद्धा को देखते हुए सभी अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ से आस लगाए हुए हैं।